नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर में। आज हम बात करने जा रहे हैं छोटे से इलाके में भारत में धीरे धीरे करके अपने पॉलिटिक्स पार्टी में पाँव जमाने वाले और भारत के शेर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। अभी हाल ही में राजपथ पर हुए एक इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर बातचीत की। ओवैसी ने कहा, इस बार यूपी चुनाव कोरोना से जुड़े मुद्दों पर होगा। उत्तर प्रदेश में पहले अखिलेश यादव और मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जबकि एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यहां 100 सीटें लड़ने की घोषणा कर दी है। अब एक बड़ा सियासी सवाल ये है कि यूपी में बीजेपी के खिलाफ कोई महागठबंधन ना होने की हालत में अगर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन 100 सीटों पर लड़ती है तो उसका चुनाव में क्या असर होगा। यूपी विधानसभा चुनाव में अभी 7 से 8 महीने का वक्त बचा है। यूं तो एआईएमआईएम यूपी में 10 दलों के मोर्चे भागीदारी संकल्प मोर्चे का हिस्सा है, लेकिन अब ओवीसी ने मायावती से गठबंधन की बातचीत का खंडन किया और यूपी में 100 सीटें लड़ने का ऐलान कर दिया है। ओवीसी ने कहा, हमारे पार्टी के यूपी प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम एआईएमआईएम पार्टी आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में 100 सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। फिलहाल एआईएमआईएम का यूपी में कोई बड़ा सियासी आधार नहीं है। ऐसे में अगर वो पिछड़ों के गठबंधन भागीदारी मोर्चा के साथ मिलकर 100 सीटें लड़ती है तो लगता है कि जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी मामूली अंतर से जीत रही है वहाँ फर्क पड़ सकता है, वरना इस सियासी माहौल में शायद मुसलमान मुस्लिम उम्मीदवार को वोट देने के बजाय उस पार्टी के उम्मीदवार को वोट देना चाहेंगे जो बीजेपी को हराने की स्थिति में हो। तो अब देखते हैं कि जो 2022 का ये चुनाव आता है उसमें कौन जीतता है, किसकी शह होगी और किसकी मात होगी। ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।